इस दुनिया में तीन टाइप्स के लोग होते हैं। पहला वो जो अटेंशन नहीं चाहते हैं या उन्हें अटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड वो जिन्हें अटेंशन तो चाहिए होती है पर वो अटेंशन पाने के लिए कोई खास एफर्ट नहीं देते हैं। एंड थर्ड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, जिन्हें अटेंशन चाहिए होती है और वो अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं या किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है अटेंशन सीकर्स। तो आज हम इन्हीं की बात करेंगे। अटेंशन सीकर्स का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के सामने अपनी छवि प्रदर्शित करना या फिर फेमस होना। ये लोगों के सामने फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ काम जो ये कर सकते हैं या फिर इनके लक्षण मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो अंत तक टिके रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहली एक्टिविटी, क्रिमिनल बनने की कोशिश करना, अपराधी बनने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग फेमस होने के लिए या अटेंशन हासिल करने के लिए क्रिमिनल बनने जैसी एक्टिविटी तक कर सकते हैं। कुछ लोग किसी दुकान से सामान उठाना, किसी दुकान से सामान चोरी करना या फिर लूटपाट जैसे काम तो करते ही हैं, बट कुछ लोग हत्या जैसे संगीन अपराध भी कर बैठते हैं सिर्फ फेमस होने के लिए। आप मानेंगे नहीं, रिसेंटली सितंबर 2022 की स्टार्ट में मध्य प्रदेश के एक लड़के जिसका नाम था शिव गौण, जिसे घर में सब हल्कू के नाम से जानते थे, उसे फेमस होने का बहुत शौक था। वो अपने घर में एक बात बोलकर निकला कि माँ, मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊँगा। और घर से निकलने के बाद उसने चार गार्ड्स के मर्डर कर दिए। उसने घर से निकलने का चार गार्ड्स के मर्डर कर दिए ताकि वह फेमस हो सके। जब वह पकड़ा गया तो उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया, और जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे फेमस होना था, सिर्फ मैंने इसीलिए ये काम किया। तो अटेंशन सीकर्स इस हद तक गिर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। सेकेंड नंबर पर फैशनेबल, मतलब फैशन की धज्जियाँ उड़ाना। बहुत सारे अटेंशन सीकर ऐसे होते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी इसके अंदर आते हैं, जो फेमस होने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिन्हें वो फैशन का नाम देते जरूर हैं लेकिन बहुत ही घटिया चीज़ें होती हैं वो। जैसे कि हम रणवीर सिंह का उदाहरण लेंगे। सभी को पता है कि बॉयज़ या लड़के महिलाओं के कपड़े नहीं पहनते हैं या फिर वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते जो उनके ऊपर सूट नहीं करते, पर रणवीर सिंह अटेंशन पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ही अपनी पत्नी का घाघरा पहन के स्टेज में चले जाते हैं। कभी वो ऐसे अनमैचिंग कपड़े पहनते हैं जो बिल्कुल ही अनबोर्ड लगते हैं। अगर वह कोई साधारण इंसान पहने तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी खिल्लियाँ उड़ाएंगे, परंतु अगर वही काम रणवीर सिंह जैसे कोई सेलिब्रिटीज़ करते हैं तो उन्हें लोग फैशन का नाम देते हैं एंड उन पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती या फिर कोई भी उन्हें कोई रिएक्ट नहीं करता उस चीज़ पर। बट कोई सिंपल बंदा ये काम करे तो उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं मजाक उड़ा उड़ा के। तो अटेंशन सीकर्स क्या करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं या ऐसी अलग अलग विचित्र हरकतें करते हैं फैशन के नाम पर जो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। थर्ड नंबर पर सहानुभूति हासिल करना। बहुत सारे लोग सहानुभूति हासिल करने के लिए, लोगों की नज़रों में आने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारी लड़कियां भी ये काम करती हैं। कुछ लोग अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, कुछ लोग अपना हाथ काट लेते हैं, कुछ लोग तो आत्महत्या की कोशिश करने जैसी हद तक भी कर देते हैं ताकि लोग उन्हें देखें और उन पर सहानुभूति व्यक्त करें। कुछ लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि खुद के ही फेक फ़ोटोज़ या फिर ऐसी अश्लील फ़ोटोज़ वायरल करवाते हैं, ऐसी फ़ोटोज़ वायरल करवाते हैं जिससे लोग उनको सहानुभूति दें, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करें। ये सिर्फ अटेंशन हासिल करने का एक तरीका होता है। हर कोई ये नहीं करता, पर जो अटेंशन सीकर्स होते हैं वो उनका एक तरीका होता है सहानुभूति हासिल करने का। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं, बिना बात के लड़ना या फिर कहीं भी अपना प्रेम प्रदर्शन स्टार्ट कर देना। बहुत सारे अटेंशन सीकर्स ऐसे होते हैं जो बिन बात के बीच बाजार में या फिर पब्लिक प्लेस में लड़ाई झगड़ा चालू कर देते हैं ताकि लोग उनके प्रति अट्रैक्ट हो या फिर उन्हें देखें। एंड बहुत सारे कपल्स तो इस हद तक चले जाते हैं अटेंशन पाने के लिए कि वो कहीं भी अपना रोमांस चालू कर देते हैं पब्लिकली या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर वो उन्हें वो चीज़ें करना नहीं चाहिए या शोभा नहीं देता है। आपने देखा कि मैक्सिमम कपल्स क्या करते हैं कि वो अपने प्रेम संबंध को या शादी होने के बाद भी कपल्स अपने प्रेम संबंध को छुपा कर रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं। पर कुछ अटेंशन सीकर्स कपल्स क्या करते हैं कि वो चीज़ें जो पब्लिक में नहीं की जा सकती वो चीज़ें पब्लिक में करने का ट्राई करते हैं और वो उसे अटेंशन पाने का एक तरीका समझते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं नग्नता की, जो आजकल एक बहुत ही बड़ा तरीका बन गया है अटेंशन पाने का या फेमस होने का। आपने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे जो सिर्फ नग्नता ही दिखाकर सेलिब्रिटी बने हैं। जैसे कि आपको बता दूं मैं उर्फी जावेद के बारे में। उर्फी जावेद मैम अटेंशन पाने के लिए क्या क्या करती हैं सभी को पता है। कभी वो बोरा के कपड़े पहन लेती हैं, कभी वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि लोग नॉर्मल लोग नहीं पहनते हैं। वो सिर्फ एक अटेंशन पाने का तरीका है। आपने रिसेंटली रणवीर सिंह की एक फ़ोटो देखी होगी जिसमें उन्होंने बिना कपड़े पहने एक फ़ोटो शूट कराया था,
तो ये सिर्फ सिर्फ एक अटेंशन पाने का तरीका है। आप बहुत सारे लोगों को ऐसा देख, रणवीर सिंह उस फोटो शूट से पहले इतने मतलब फेमस तो वो पहले से हैं, बट लाइमलाइट में नहीं थे वो, या चर्चा के विषय नहीं थे। बट जैसे ही उन्होंने वो फोटो शूट कराया तो आने वाले 2-3 महीने वो चर्चा के विषय में रहे। तो ये सिर्फ अटेंशन पाने का तरीका होता है। बहुत सारे लोग फेमस होने के लिए नग्नता प्रदर्शन करते हैं। आजकल इंस्टाग्राम में रील्स में सब सिर्फ नग्नता ही दिखाई दे रही है, जो बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जो बच्चे इसे देख रहे हैं वो भी आगे चलकर इसी तरह की हरकत करेंगे और फेमस होने के लिए अलग अलग चीज़ें करेंगे। तो अटेंशन सीकर्स ये सब बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं या फिर सनकी काम करते हैं, जो मैं कहूँगा। क्या आप भी अटेंशन सीकर हैं, और क्या आप भी ऐसे काम करते हैं, या फिर आपका दोस्त या आपके परिवार में कोई ऐसे अटेंशन सीकर है जो ये सब काम करता है या फिर सनकी हरकतें करता है? तो उन्हें अभी संभालिए, समझाइए या फिर उनका इलाज करवाइए ताकि वो ऐसी हरकतें करने से बचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, एंड लाइक एंड कमेंट शेयर कर देना इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।